और बात करेंगे डोईवाला की, जहां पर किसान टाउन सिटी के विरोध में पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। इस बीच किसानों का गुस्सा बिजली विभाग पर भी जमकर फूटा है। डोईवाला क्षेत्र में आए दिन कई घंटों तक हो रही बिजली कटौती आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बिजली कटौती की वजह से जहां बिजली से कार्य करने वाले कारोबारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं गर्मी की तपन से भी आम जनता परेशान है। वहीं सबसे बड़ी परेशानी उन किसानों को झेलनी पड़ रही है जो पिछले 3 दिनों से टाउन सिटी के विरोध में सड़क के किनारे दिन रात धरना दे रहे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। पर यहाँ इस तमाम क्षेत्र के लोग बैठे हैं और लगातार ये बिजली का काटने का काम दिन में 8 से 10 बार ये बिजली कट रही है और रात को 10-11 बजे तक बिजली लगातार 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी, 10 मिनट आएगी, 10 मिनट जाएगी। तो ये सीधा सीधा ये है कि ये सरकार की साजिश है और इस धरने को, चूँकि बौखलाई भी सरकार है, परेशान है कि उन्होंने एक स्टेप तो ले लिया स्मार्ट सिटी का, एरो सिटी का। उस दिन से लाइट की कटौती हो रही है सर, बच्चे घर में परेशान है, सुबह नहाने धोने की दिक्कत है, बिजली नहीं आएगी तो मोटर कैसे चलेगी, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बच्चों को दिक्कत हो रही है, स्कूल में टेस्ट हो रहे, बच्चों के पढ़ाई कैसे होगी। और ये देखो आप, हम जब लाइट ही नहीं है वहाँ पे धरने में बैठे हैं, धरने में कितनी परेशानी हो रही है, रात को मच्छर खा रहे हैं, दिन में इतनी गर्मी है, उमस है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो अगला धरना हम यहीं पे ही लगाएंगे, यहीं पे बैठेंगे अब हम लोग। एक तरफ तो सरकारें बात कर रही हैं स्मार्ट सिटी की, किसानों के घर मकान उजाड़ करके यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, अरे दूसरा पहले आप डोईवाला को तो स्मार्ट कर लो, बिना बताए दिन में 10 बार और बिना बताए रात को 10 बार लाइट काट देते हैं। इनसे वार्ता करते हैं तो कह रहे हैं लाइन पे काम चल रहा है, ठीक है मान ली बात, लाइन पे काम चल रहा है, उसका भी एक नियम होता है, आप पेपर में एक नोटिस दो, पेपर में आप जनता को बताओ कल लाइन पे काम चलेगा, और चलो दिन की बात मान ली, इनसे पूछने वाला हो रात को कौन सा लाइन पे काम चल रहा है।